गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी, होपफुली सब बहुत अच्छे हो। सब फर्स्टली सबको गुड मॉर्निंग। अभी 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 है मॉर्निंग का टाइम और अभी है ना 7 बज चुके और देखिए चेहरे पर पिंपल्स आ गए हैं गर्मी की वजह से, देखिए। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और सुबह के 7 बज चुके हैं और कान्हा जी इधर देखिए। और उधर अमित सोए हुए हैं। और क्या अभी ना, मतलब मैं थोड़ा लेट उठती हूँ क्योंकि ना अभी जो है अमित की जो ऑफिस जाने का टाइम है ना वो थोड़ा चेंज हो चुका है। पहले वो 7 बजे जाते हैं, अब 9 बजे जाते थे। तो पहले आपने देखा भी होगा कि मुझे 5 बजे उठना पड़ता था, लेकिन अभी मैं 6 बजे करीब, 6:45 बजे करीब उठती हूँ। उसके बाद अपना काम शुरू करती हूँ। अभी थोड़ा जल्दी नहीं उठना पड़ता है, अभी टाइम से उठना पड़ता है, तब लंच वंच बन जाता है। 9 बजे तक आराम से सारा काम खत्म हो जाता है। तो इसलिए बस अभी वो मैं अपना छोटा छोटा काम संगवा रही हूँ। सुबह का जो काम होता है मॉर्निंग का, वही थोड़ा थोड़ा करके किचन का सब कुछ काम कर रही हूँ। अभी पूजा का भी टाइम है तो मम्मी पूजा कर रही है और पापा भी अपनी ड्यूटी जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पापा तो जल्दी जाते हैं, 7:30 बजे तक निकलते हैं। तो पापा को तो जल्दी जाना होता है, तो उससे पहले पापा का भी ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है। इधर कान्हा भी उठ जाता है और ताशु की जो है छुट्टियाँ शुरू हो चुकी है, लीव हो गई है उसकी। 1 से 1.5 महीने तक की छुट्टियाँ शुरू हो गई, लेकिन हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग घर पर ही रहेंगे। वैकेशन मतलब मैं अभी घर जाकर आई थी और वहाँ पर मैं नहीं जाती हूँ गर्मियों के टाइम पे, तो हम लोग यहीं पर रहेंगे। लेकिन हाँ, हम लोग घूमने तो जाने वाले हैं, कहीं जाने वाले हैं। वो आपको आने वाले जो ब्लॉग होंगे उनमें पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या और क्या करेंगे। तो वो उसके लिए तो आपको फिर कंटिन्यू मेरी वीडियो को देखना पड़ेगा। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने ना सरोजनी से क्या क्या शॉपिंग की थी, क्या क्या लिया था। तो ब्लॉग को ज़रूर देखना लास्ट तक, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी, क्या क्या मैंने ख़रीदा था। और उसको देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए पहले फटाफट से ना अपने किचन के काम ख़त्म कर लेते हैं और बाकी घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो कर लेते हैं। उसके बाद मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी। तो चलिए I'm not afraid of the dark.
अभी आया है नया चूल्हा, पहला चूल्हा जो है वो खराब हो गया था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम, आप लोगों का पहले ही हो चुका था जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ये नेक्स्ट डे की मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, कल मैं शूट नहीं कर पाई किसी वजह से, तो मैं आज नेक्स्ट डे अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को अपने सरोजनगर शॉपिंग हॉल जरूर दिखाऊंगी, तो मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रही हूँ। अब ये मैं वही आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, अपनी शॉपिंग जो मैंने वहाँ से की है। तो फटाफट, देर नहीं करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आप लोगों को सबसे पहले अपनी शॉपिंग पर दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या की थी। तो फर्स्टली ये दिखा रही हूँ मैं आपको अपनी शर्ट, ये पैरेट कलर की शर्ट है। आप लोगों को पता होगा ये कलर आजकल बहुत ज़्यादा इनमें है, पैरेट कलर। और ये वाला प्रिंट भी आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत ज़्यादा इनमें है। इसमें ये टू कलर्स गर्ल्स है प्रिंट में, और ये लॉन्ग है, फ्री साइज शर्ट है, फुल स्लीव्स की शर्ट है। ये देखिए, इसकी स्लीव का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, और ये कॉलर वाली है, और ये इसमें यहाँ पर बटन लगे हुए हैं। ये देखिए बटन लगे हुए, फुल लुक कुछ इसका इस तरह से है। ये देखिए बैक में भी और फ्रंट में भी यहाँ पर आपको गर्ल्स का एक प्रिंट दिखाई देगा। पहनने के बाद बहुत अच्छी लगती है, फ्री साइज है। आप अगर चाहे तो इसको बेल्ट के साथ कैरी कर सकते हैं। जब भी मैं इसको पहनूंगी मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी इसका लुक कैसा लगा कैसा नहीं। तो ये शर्ट है, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। वहां से आप लोगों को ये इजीली, मुझे ये वहां से 250 के अराउंड अब मुझे यहाँ वहां से मिल गई थी सरोजनी नगर से। आप लोग वहां से आकर देखिएगा कि आपको भी वहां पर मिल जाएगी। हमने पूरा सरोजनी मार्केट देखा था, लेकिन एक शॉप पर ही हमें ये हमको दिखाई दी थी, तो हमने वहीं से ये परचेज कर ली थी। और सेकंड जो है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये मेरी कॉटन की शर्ट है, ये हाफ पीस शर्ट है। ये देखिए, ये शर्ट लेने की ना मुझे बहुत टाइम से इच्छा हो रही थी, क्योंकि फुल स्लीव शर्ट मैंने बहुत ज़्यादा पहन चुकी हूँ, फुल स्लीव टॉप भी मैंने बहुत पहने हैं, लेकिन मुझे हाफ शर्ट लेनी थी जो बड़ी मुश्किल से मैंने वहाँ पर ट्राई की और मुझे एक जगह दिखी, तो मैंने इसको तुरंत परचेज कर लिया। ये इस तरह से चेस्ट शर्ट है आपकी, देखिए इसमें ये पॉकेट भी दी हुई है और ये इसमें बटन दिए हुए हैं। ये देखिए इस तरह से इसका लुक है, बैक और फ्रंट प्योर कॉटन है, और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, इसमें कहीं भी आपको डैमेज नहीं मिलेगा। हाँ, फर्स्टली मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ, सरोजनी में आप जब भी शॉपिंग के लिए जाए, कोई भी कपड़ा आप खरीदे, दुकान से खरीदे, बाहर से खरीदे, आप चेक करके जरूर लेगी, वो वैसे डैमेज तो नहीं है, कलर तो फेड नहीं है, कुछ भी अपना साइज वगैरह सब कुछ एकदम चेक करके लिए। तो ये मेरी कॉटन की शर्ट है। बर्ड जो है वो है, ये मेरा टॉप पीच कलर का टॉप है, शॉर्ट फ्रॉक टॉप है, बिल्कुल सिंपल सोबर है, स्ट्रेचेबल इसका फैब्रिक है। ये देखिए ऑफ शोल्डर में ये इस तरह से इसकी बाजू है, इस तरह से देखिएगा, ये पूरा प्लेन है, इसमें कोई भी वर्क नहीं है, राउंड नेक वाला ये टॉप है, एकदम सिंपल और सॉबर, फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, आप गर्मियों में इसे आराम से पहन सकते हैं। थर्ड जो मैंने ली है वो है ये मेरी वाइट कलर की टी शर्ट, ये भी क्रॉप मतलब शॉर्ट है, लॉन्ग नहीं है। इस पर भी आपको ये गर्ल्स वाला प्रिंट देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए बैक भी और फ्रंट भी, ये भी राउंड नेक वाली है, हाफ स्लीव में है। ये देखिए बाकी इसमें कोई भी ज्यादा तामझाम नहीं मिलेगा, सिंपल सोबर मिलेगी। कहीं पर भी आप इजीली इसको घूमने जा रहे हैं, छोटी मोटी पार्टियों में जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, जब आप इसको कैरी कर सकते हैं। फोर्थ जो है वो है ये मेरी डेनिम की शर्ट, ये अप डाउन वाली शर्ट है, इस तरह से देखिए आपको दिखाई भी देगी, अप डाउन वाली है, इस तरह से पीछे से लॉन्ग और आगे से शॉर्ट है, फुल स्लीव से आप इसको अगर चाहे तो ऐसे फोल्ड कर टक करके भी पहन सकते हैं यहाँ से, इस तरह से। ये देखिए ये इस तरह से है, इसका फैब्रिक प्योर कॉटन है, एकदम कलर बहुत अच्छा है, डार्क कलर मैंने नहीं लिया, थोड़ा लाइट कलर ही लिया था, कॉलर वाली है इस तरह से। ये देखिए आप चाहे तो इसको इन कर भी डाल सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से स्टाइल करके इसको पहन सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ अपनी पैंट की और जीन्स की, ट्राउजर जो मैंने वहां से खरीदे हैं। तो अब यहाँ मैं आपको फर्स्टली जो दिखाने वाली हूँ ये है मेरी पैंट। ये देखिए ये ट्राउजर पर्पल कलर का है, लैवेंडर कलर आप इसको बोल सकते हैं, ये लाइनिंग स्ट्राइप वाला है, देखिए लाइनिंग इसके अंदर है, यहाँ से आपको बॉटम टाइप भी मिलेगा, इस तरह से पूरा आपको मिलेगा। देखिए ये
सिंपल और सोबर है एकदम से, फैब्रिक बहुत अच्छा है, स्ट्रेचेबल है, आप कोई भी जीन्स को जितना भी मोटा है या पतला है कोई भी इसको आप पहन सकता है, कैरी कर सकता है, अच्छे से पहन सकता है। सेकंड जो मैंने पैंट ली है यहाँ से, ये है मेरी ग्रे कलर की पैंट, ये देखिए आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, मैंने पैंट आपने लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम के पेज पर, वैसे भी आपने देखा होगा आजकल ये बहुत ज्यादा इन में इस तरह की पैंट, फॉर्मल पैंट आप इनको बोल सकते हैं। इसकी बैग बहुत अच्छी है, देखिए किस तरह से पूरा अलग से इसको स्टिच करके दिया हुआ है, कपड़ा बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, समर में आप इजीली इसको पहन सकते हैं, जिप के साथ दिया है और टक करने के लिए आपको हुक दिए हैं, ये देखिए इस तरह से, ये बहुत ही अच्छी पैंट है, आप इसको शर्ट टॉप जिसके साथ कैरी करना चाहे आप कर सकते हैं। थर्ड जो है वो मैंने ली है ब्लैक कलर की अपनी पैंट बॉटम में, बेल बॉटम में मैंने इसको लिया है, स्ट्रेट देखिए इस तरह से बिल्कुल खुली डुली आपको मेरी पैंट मिलेगी इस तरह से, बिल्कुल ये देखिए इस तरह से पूरी आपको खुली डुली मिलेगी एकदम ब्लैक कलर की। इसका फैब्रिक और फिनिशिंग बहुत बढ़िया है, चेक करके अगर आप वहाँ से चीजें लेना तो आपको इजीली बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती है। तो ये मेरी थर्ड पैंट है। एक और मैंने पैंट ली है, मैंने वहाँ से जीन्स एक ही ली है, बाकी मैंने वहाँ से सब पैंट ली क्योंकि मैंने जीन्स बहुत ज़्यादा पहन चुकी हूँ, मुझे पैंट लेनी थी तो मैंने तीन चार कलेक्शन अपना पैंट का करके लिया है अलग अलग कलर का। ये दूसरी जो पैंट है ये है क्रीम कलर की, ये भी इसी टाइप से है स्ट्रेट पैंट, सबके फैब्रिक लेकिन अलग अलग है, कोई भी कॉमन नहीं है, अलग अलग फैब्रिक है, अलग अलग डिज़ाइन है, तो कोई भी कॉमन नहीं है। इस तरह से देखिए इसमें आपको पीछे दो पॉकेट मिल जाएगी, आगे भी आपको इसमें पॉकेट मिल जाएगी, और ये देखिए बैंड भी आप इसमें लगा सकते हैं, और ये देखिए स्ट्रेचेबल है ये भी, ये चीज आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो फोर्थ फिफ्थ जो मैंने ली है, एक जीन्स भी मैंने वहां से ली है, स्ट्रेट जीन्स ली है ये मैंने, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल प्लेन ब्लू कलर की जीन्स है। मैंने इससे पहले सोचा था कि रफ में इसको करा लेती हूँ, मुझे रफ भी चाहिए, तो वो शॉपकीपर ने बोला था मुझे कि हम रफ करके दे देंगे, लेकिन उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि ना आपको ऐसी अच्छी लगेगी, तो मैंने इसको ऐसे ही ले लिया क्योंकि रफ मैं पहले पहन चुकी हूँ। बिल्कुल स्ट्रेट पैंट है ये, इस तरह से नीचे से इसका लुक है, इस तरह से पूरी प्लेन है, इसमें कोई काम नहीं है, बिल्कुल एक ही कलर ब्लू कलर है इसके अंदर। तो ये तो हो गई मेरे कपड़ों की बात, अब चलते हैं जल्दी से ज्वेलरी की तरफ कि मैंने वहाँ से क्या क्या ज्वेलरी परचेज की थी। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ अपने शूज, मैंने वहाँ से अपने शूज भी लिए थे, ये देखिए वाइट प्योर वाइट कलर के मैंने शूज लिए थे, क्योंकि मेरे जो पहले शूज थे ना वो टूट चुके थे, मेरे पास शूज नहीं थे, तो मैंने वहाँ से लिए थे ये शूज, ये देखिए बिल्कुल प्लेन व्हाइट कलर है क्योंकि मुझे वाइट ही चाहिए थे। व्हाइट क्या होता है ना, आप किसी भी ड्रेस पे कैरी कर सकते हैं, किसी भी के साथ भी जा सकते हैं, कलरफुल मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो चलिए फटाफट से आप लोगों को मैं ज्वेलरी भी दिखा देती हूँ, मैंने वहाँ से क्या क्या ज्वेलरी ली है। तो फर्स्टली मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ ये वाले इयररिंग्स, देखिए ये वाले इयररिंग्स, ये ना प्रॉपर हैंडमेड इयररिंग्स है, इन पे यहाँ पर ना नॉट वर्क की एक बना के ना उसको पूरा लगाया है, अंदर पूरा हैंड वर्क है मोतियों का पूरा, और आप यकीन नहीं मानेंगे कितने में मुझे मिले होंगे इंस्टाग्राम पर अगर आप जाएंगे, बहुत महंगे सिर्फ 50 रुपीज में मुझे यहाँ से मिले हैं, ये देखिए। सेकंड जो इयररिंग्स है वो है ये वाले पर्ल वाले, मुझे चाहिए थे काफी टाइम से, मेरे जो थे पहले वो खराब हो चुके थे, ये वाले पर्ल इयररिंग है वहाँ पे हुक्स टाइप में, तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये ना हुक्स टाइप में है पूरे पर्ल्स के, फिनिशिंग काफी अच्छी है, और ये ओनली मुझे ना आप लोगों को बताया कि हुक्स टाइप में पर्ल्स में मुझे, मेरे पास थे पहले लेकिन वो खराब हो चुके थे, इनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है और ये सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज में मुझे वहां से मिले हैं, बहुत प्यारी इयररिंग्स है। अब की बार जो भी मैं कलेक्शन लाई ना वो सारा व्हाइट और क्रीम कलर में लेके आई क्योंकि गोल्डन और सिल्वर मेरे पास काफी हो चुका था। तो थर्ड जो है इयररिंग्स वो इस तरह से, ये भी हैंडमेड इयररिंग्स है, नोट का इनपे इस तरह से वर्क हुआ है, धागे को लपेट कर ये बनाए गए हैं, ये भी हुक्स टाइप में है, देखिए आप लोग आराम से देख सकते हैं, ये देखिए। फोर्थ जो है वो
भी ये इस तरह से कुछ गजरे वाला आपको ये फीलिंग देंगे, गजरे के लुक वाला आपको उनको फीलिंग देंगे इस तरह से। हुक्स में है व्हाइट कलर की, जैसे होता है ना आर्टिफिशियल गजरा आता है उस तरह से उनके भी वर्क हुआ है, उनको लगाया गया है। ये देखिए ओनली 30 रुपीज में मुझे वहां से ये मिल गए थे। और कोट जो है ये सिल्वर कलर के है, ये इस तरह से गोल, आप किसी जीन्स पे या छोटा मोटा आप कहीं बाहर जा रहे हैं तब आप इनको पहन सकते हैं। ये देखिए इस तरह से गोल राउंड करके ये है। और नेक्स्ट में ये बिल्कुल छुटकू से गोल्डन कलर के हैं। आप मार्केट वगैरह जा रहे हैं, सॉरी आप मार्केट वगैरह जा रहे हैं तब आप इनको कैरी कर सकते हैं आराम से। बिल्कुल छोटे से है आप गोल्डन कलर के, ये देखिए इस तरह से। और जो मैंने खरीदे सिल्वर का भी मैंने जो कलेक्शन खरीदा है, दो मैंने इयररिंग्स ली है, चांद वालियां ली है मैंने, एक मैंने ये वाली ली है। इनमें पूरा अंदर मिरर वर्क हुआ हुआ है, इस तरह से गोल है ये, पूरा सिल्वर है ये, अंदर आपको इसमें ये सब मोती मिलेंगे लगे हुए। ये देखिए चांद वाली है, सेकंड जो चांद वाली मैंने ली है तो सेकंड जो मैंने चांद पालिया ली है वो इस तरह से है। आपको ये थोड़ा ना इस तरह से बड़ी बड़ी मैंने ली है, इनमें ना ये मोर का डिजाइन अंदर हुआ है ब्लैक कलर का, नीचे मोती लगे हैं इस तरह से साउंड करते हैं इस तरह से। ये देखिए बहुत ही प्यारी इयर रिंग्स है, चांद पालियां है। तो ये सारे मेरी शॉपिंग थी वहां से। कुछ मैंने रबर बैंड्स भी लिए थे वहां पे 50 रुपीज के, कुछ स्टिक्स आपको दे रहे थे तो मैंने कुछ कलरफुल ले लिए कि ड्रेस अप कभी पैक करना हो तो आप पहन सकते हैं। बस इतना ही मेरा सारा कलेक्शन था। हाँ एक ड्रेस मैंने आपको दिखाने के लिए रह गई थी, वो है ये मेरी कॉटन की ड्रेस, शॉर्ट ड्रेस है, आप इसको ऐसे पहन सकते हैं, बिल्कुल प्योर कॉटन है ये। ये देखिए प्योर कॉटन है, गर्मी में बहुत अच्छी है। इसको टाइट करने के लिए ना इधर पे ना ये दिया हुआ है आपको, आप इसको जब चाहे टाइट करके इसको पहन सकते हैं। वैसे ये फ्री साइज है, कॉटन की है, आप इसको पहन के नीचे अपने शूज या गर्मी में कहीं भी आप लोगों को घूमने जा रहे हैं अच्छा, आप इसको जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं, सिंगल चाहे तो सिंगल पहन सकते हैं। तो ये मेरी सारी शॉपिंग थी जो मैंने सरोजनी नगर से की थी। और बाकी ना मतलब वहाँ पे आप जाए तो संडे के दिन ना जाए, मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगी, क्योंकि संडे के दिन बहुत ज्यादा भीड़ है। आप मतलब समझ लीजिए कि आपको ना वहाँ पर आप वीडियो तो बना ही नहीं सकते बिल्कुल भी। तो आप कभी भी जाए तो संडे को छोड़कर अदर डे आप कभी भी जा सकते हैं। और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, मेरा शॉपिंग मॉल कैसा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।